मानता हूं आपके जो धर्म है, किसका नाम है आपके चंद, क्योंकि ये शब्द सबसे कठिन लगता है। तो अकिंचन का अर्थ होता है किंचित मात्र भी पर पदार्थ मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, इसका नाम है अकिंचन। अणु मात्र भी मेरा नहीं है इस संसार में, मेरो तो एक आत्म बस, और सबे मम भिन्न, और जितने भी आत्मा के अलावा एक सब उससे भिन्न है। किंचन माने किंचित मात्र भी मेरा कुछ है नहीं, ऐसा जो भाव है उसका नाम अकिंचन। अकिंचन ने जो बात नास्ति से कही है उसी बात को ब्रह्मचर्य में अस्थि से कहा है। अकिंचन ने ये कहा है पर पदार्थ मेरे नहीं है, और ब्रह्मचर्य में ब्रह्म माने अपनी आत्मा, आत्मा में चर्य माने चर्या करना, अपने में चर्या करना, लीनता करना ब्रह्मचर्य, पर में लीनता नहीं होना, पर को अपना नहीं मानना ये अकिंचन, पर से हटना अकिंचन है और अपने में आना ब्रह्मचर्य, दोनों जरूरी है। पर से हटेगा नहीं तो अपने में आएगा नहीं, अपने में आएगा नहीं पर से हटेगा कैसे, इसलिए ये वस्तुतः एक अस्थि से कथन है तो दूसरा नास्ति से। अब जितने भी अपने धर्म है ये सब अभाव पूर्वक है, क्रोध के अभाव बना क्षमा, मान कषाय के अभाव पूर्वक मार दो, ऐसे लोग पूछते हैं अकिंचन धर्म में किसका अभाव होगा। तो अकिंचन धर्म किसके अभाव में प्रकट होता है, परिग्रह के अभाव में, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, पर पदार्थ मेरा नहीं है, पर को ग्रहण करने का भाव परिग्रह है, परिग्रह के अभाव में होता है अकिंचन धर्म। इसमें पूजा भी है परिग्रह चौबीस है त्याग करे मुनि राज जी, परिग्रह के चौबीस भेद है, मुनि राज जी त्याग करे, त्याग करे मुनि राज जी त्याग करे, आप करिए जमीन की सब जबरदस्ती चक्कर में फंस गए, ये तो महाराज का धर्म है अपना जमीन धर्म है। कहते अगली लाइन पढ़ो तो सही, क्या है अगली लाइन, तृष्णा भाव उच्छे घटती जा न घटाई, तृष्णा भाव उच्छे माने नष्ट की जा सकती है घटाई जा सकती है, घटती जा न घटाई, यदि वो घटती नहीं होती तो हम तुमको घटाने की नहीं कहते, लेकिन वो घट सकती है इसलिए हम तुमको घटाने की कह रहे हैं। साहब क्या बात करो, अच्छी चीज को घटाने की कह रहे हो आप, अरे परिग्रह तो कितना अच्छा है आपको क्या मालूम, इसकी तो बढ़ावने के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं, ये कह रहे घटाओ, देखो दुनिया में भी एक नियम है, कोई आदमी हिंसा करे वो कौन है पापी, झूठ बोले वो पापी, चोरी करे वो पापी, परिस्थिति सेवन करे वो पापी, और परिग्रह वाला जिसके पास खूब पैसा हो परिग्रह पापी, कोई नहीं कह सकता उसको पापी, जिसके पास में परिग्रह खूब है उसको दुनिया पापी कहती है कि पुण्यात्मा कहती है, इसको तो दुनिया बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से कहती है, और ये विजयावासी का भाग भी बहुत अच्छा है, उसका पुण्य बहुत अच्छा है, बहुत धर्मात्मा है, तो संसार में बाकी चारों को तो दुनिया पापी कहती है लेकिन परिग्रही को दुनिया पापी नहीं कहती, पापी नहीं कहती वहां तक तो ठीक है, वो उसको धर्मात्मा का सर्टिफिकेट देने को तैयार है। समझ लो मैं 10 दिन तक मेरी तबीयत खराब हो जाए, बुखार आ जाए, पंडित जी का गला बैठ जाए, बोल बोल के पंडित जी थक गए, लेकिन पंडित जी को एक ताली नहीं मिलने वाली, अभी 10वें दिन बाद 11वें दिन अपनी बोली लगे, और बिना बोली कहीं कोई एक सेठ जी आए, कागज पर टूटी फूटी भाषा में कुछ लिखा हुआ हो और अपनी बिल्कुल लड़खड़ाती भाषा में, टूटी फूटी भाषा में
जैसे जैसे बोले भैया मैं यहाँ के लिए 3 लाख रुपए देता हूँ बस, अरे इनके जैसा धर्मात्मा तो हमने देखा ही नहीं, यही पंडित है, यही गुणवान है, सारे गुण किसी ने असल में है। बेचारा पंडित 10 दिन तक एक एक घंटे नहीं 5-5 घंटे बोल के थक गया, उसको किसी ने सर्टिफिकेट भी दिया, और सेठ जी 5 मिनट में 3 लाख रुपए लेके सर्टिफिकेट ले गए साहब, क्या ये स्तुति है सारे समाज की? आप कहो वो रत्न मिल जाए, आपको क्या चाहिए? धर्म रत्न, धर्म शिरोमणि, धर्म अलंकार, धर्म दिवाकर, सब तो बिक रहे हैं, लेने वालों को क्या दिक्कत है, देने वालों को क्या दिक्कत है, अपने को पैसा मिल रहा है, जो चाहिए वो ले लो हमसे, हमें क्या दिक्कत है, तुम्हें धर्म रत्न चाहिए ले लो, बाजार से 25 रुपए का एक लेके आना है हमको, हमको क्या करना है, हमारा क्या जा रहा था? तो देने वाला मूर्ख बनने को तैयार है, 3 लाख 5 लाख देने को तैयार है, हमें क्या दिक्कत है? बस थोड़े ही दिन और बचे हैं, भगवान का भी सर्टिफिकेट मिलना चालू हो जाने वाला है, अभी तो देखते जाओ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि धन इतना छाया हुआ है कि धनवान की चारों ओर प्रशंसा हो रही, धर्मात्माओं की कम हो रही, तो धनवान को तो हम पापी कहने की बात तो बहुत दूर है, हम तो उसको धर्मात्मा का सर्टिफिकेट दे रहे, और हम बात कर रहे हैं परिग्रह पाप है, फालतू की बात है सब, अपने मन में तो परिग्रह नंबर एक है। अरे भरतहरि कवि हुआ, उसने एक श्लोक लिखा, यस्य अस्ति वित्तं सः कुलीनः सः पंडितः सः धर्मज्ञः सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। कांचन समझते ना, इधर के सब लोग समझते कंचन, सोना, सारे गुण सोने के आश्रय से बसते हैं। यस्य अस्ति वित्तम, जहाँ वित्त है, स नर कुलीन, वही कुलीन है, स पंडित, वही पंडित है, स गुणज्ञ, गुणों का ज्ञाता वही है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सारे गुण कंचन के आश्रय से बसते हैं। ऐसा उसमें का वह बात सामने के सामने दिखती है, सब तो व्यसनी हो कुछ भी हो, अरे कोई दुनिया वाला दुनिया उसको पापी कहने को तैयार, और कहीं कहीं तो शास्त्र में भी उसको पुण्यात्मा कहा, धर्मात्मा ने कहा पुण्यात्मा कहा, लोग भी कहते भैया इनके पुण्य का बहुत उदय, पुण्यात्मा धर्मात्मा। तो अब मेरा एक प्रश्न है, ऐसा क्यों चक्कर है? मैंने हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह कोई करे, हिंसा झूठ कुशील पाप करे तो पापी, और परिग्रही हो परिग्रह जोड़े तो वो पुण्यात्मा। ये तो बात मेरे को तो नहीं चलती, आप लोगों को चलती, लेकिन ये तो ऐसे ही। तो इसका एक कारण है, इसका कारण ये है कि हिंसा झूठ चोरी कुशील उसका जो बीज है वो बीज पाप ही है, और उसका जो वृक्ष लगा है वो भी पाप पे लगा है, और जो उसके फल लगेंगे वो भी पाप के। लेकिन परिग्रह में ऐसा नहीं है, परिग्रह का बीज पाप नहीं है, परिग्रह पाप के उदय से नहीं आता, परिग्रह आता पुण्य के उदय से। अब वो अपने आप में क्या है ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आया पाप के उदय से नहीं है, आया तो पुण्य के उदय से। पूर्व में कोई संतोष भाव किया होगा, कुछ शुभ भाव किया होगा, उसके उदय से वो परिग्रह आया। अब आने के बाद क्या स्थिति, मतलब बीज तो पुण्य का अपने आप में वो है क्या, पुण्य की पाप, परिग्रह पुण्य की पाप है तो पाप, लेकिन अब इसके जो फल है, मैंने वृक्ष तो पाप का ही है, लेकिन इसके फल दो तरह के हैं, कैसे हैं? इसके फल को खाए तो पाप बधे, और इसके फल को ना खाए और बो दे क्या तो पुण्य बधे। बोधे मतलब परोपकार में लगा दे, अपने भोगों भोग में खर्च नहीं करे,
तो उसके फल में उसको पुण्य बनेगा और अपने भोगों भोग में खर्च करेगा पाप बने। माने इसकी दो दशा है, ये ऐसा वृक्ष है जो है तो जहर, लेकिन इस जहर के वृक्ष को कोई बो दे तो बहुत अच्छे अच्छे मीठे फल लगे, खुद नहीं खाए पर यदि खुद ही खा जाए मरने वाला है, ऐसी इसकी दशा है, इसका स्वभाव ही ऐसा। जैसे काना गंदा, काना गंदा चूसने योग्य नहीं है, चूसेगा तो कुछ रस नहीं मिलने वाला, फिर भी कोई रसिया का रस का लोभी बिगाड़ तो बिगाड़, लेकिन यदि उसको बोध है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे करने पैदा हो सकते हैं। ऐसे ही परिग्रह है तो अपने आप में पापी, और उसको यदि भोगेगा तो पाप ही बंधेगा, लेकिन यदि उस परिग्रह को परोपकार में लगा देगा तो उसके माध्यम से पुण्य बंद होगा, पाप बंद नहीं होगा। तो इसके फल में भी विचित्रता है, इसके बीज में विचित्रता है, यही कारण है कि परिग्रही को सीधे सीधे पापी नहीं कहा जाता, कारण है चीजों के पीछे क्या। लेकिन फिर भी जिनवाणी कहती है कि ये सब परिग्रह के होने से जो उसको पुण्यात्मा कहा है, ये सब व्यवहार से, वास्तव में पुण्य के उदय से पुण्यात्मा नहीं होता, आदमी पुण्य भाव से पुण्यात्मा होता है, पाप के उदय से पापी नहीं होता, पाप भाव से पापी होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वेश्या को पुण्य के उदय से लक्ष्मी है लेकिन भाव क्या है, पाप भाव है, तो पुण्यात्मा है कि पापात्मा है, पापात्मा पुण्य का उदय। मुनिराज है, उनको शरीर में कोढ़ है, 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, कोढ़ पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से, पाप के उदय, पाप के उदय है लेकिन पापी नहीं कहते। तो इसका मतलब उदय से पापात्मा और पुण्यात्मा नहीं कहा जाता, उसका भाव कैसा है, उस भाव से जिनवाणी उसको पुण्यात्मा या पापात्मा कहती। ये लौकिक व्यवहार है तुम्हारा, तुम्हारा व्यवहार पुराने को देखता है और हमारा व्यवहार वर्तमान को देखता है और भविष्य को देखता है। हम इसको नहीं देखते कि पिछला क्या लेके आया है, हम इसको देखते हैं आगे के लिए क्या लेके जा रहा है। इसलिए यदि वो पुण्य भाव से युक्त है तो पुण्यात्मा है, और भले पाप पुण्य का उदय है लेकिन पाप भाव है तो उसको क्या कहेंगे, पापी। और धर्म भाव है और भले ही सिर पे सिगड़ी चल रही हो, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितने उपसर्ग हो रहे हो पाप के उदय से, लेकिन वो पापात्मा नहीं थे, वो धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे। क्यों? क्योंकि उस समय उनके भाव धर्मरूप थे, तो जैसे भाव होंगे वैसा जीव को कहा जाएगा, जैसा उदय होगा वैसा जीव को नहीं कहा जाएगा। इस संसार में किसी विचित्रता, हर आदमी को पुण्य का उदय चाहिए, पुण्य बांधने को कोई तैयार नहीं, माल सबको चाहिए, माल का कारण कोई करने को तैयार नहीं। भाई तेरे को पुण्य का उदय चाहिए तो पुण्य भाव शुभ भाव कर, और पाप के उदय से बचना चाहता है तो खोटे भाव मत कर। नहीं भाव तो खोटे ही करूंगा, लेकिन फिर भी आए पुण्य का उदय, भाव अच्छे नहीं करूंगा पुण्य का उदय चाहूं। तो कहते हैं कि ऐसा तीन काल में संभव नहीं है, यदि तेरे को पुण्य का उदय चाहिए तो पुण्य भाव होंगे तो पुण्य का उदय होगा, और पाप चाहिए यदि तेरे को पाप के उदय से बचना है तो खोटे भाव छोड़ने होंगे। ये स्थिति, इसलिए परिग्रह के बीज में पुण्य, परिग्रह का फल भी यदि छोड़ दे तो पुण्य होने से परिग्रही को सीधे सीधे पापी दुनिया नहीं कहती। लेकिन हिंसा झूठ चोरी कुशील परि हिंसा झूठ चोरी कुशील पाप का तो बीज भी पाप है, स्वयं भी पाप है और फल भी पाप है। अरे बात समझ, ये सब कारण चीजों के। अब हम बोलते हैं परिग्रह 24 भेद, ये 24 भेद कौन कौन से 24 भेद, कुछ नहीं यही होंगे हम क्या जो अपने घर में है, सोफा सेट, टेबल कुर्सी, गाड़ी घोड़े, ये मैंने कहा नहीं वो द्वि
द्विपद और चतुष्पद लिखे शास्त्र में परिग्रह के नाम। अच्छा द्विपद, द्विपद माने टू व्हीलर, चतुष्पद फोर व्हीलर। नहीं भैया, द्विपद और चतुष्पद का अर्थ कुछ और है, जिसके दो पांव हो। हाँ पहिए ही तो है, दो पांव ही है उसके। मैंने कहा हाँ, आज यदि कोई लिखता तो द्विपद और चतुष्पद की जगह ये लिखता टू व्हीलर और फोर व्हीलर, क्योंकि आदमी का नाम आजकल इससे ही हो गया। शादी का बायोडाटा बनता है, उसके अंदर उसके घर में क्या है, टू व्हीलर कितने हैं, फोर व्हीलर कितने हैं, रेफ्रिजरेटर कितने हैं, फ्रिज कितने हैं, टीवी कितनी है, यानी बाथरूम की साबुन ने भी लिखा है। इस चीज से उसका नाम हो गया है। आदमी का नाम उसके गुणों से होए कि आदमी का नाम इन चीज़ों से होए, लेकिन संसार की विचित्र देखो, आदमी के गुणों से उसका नाम नहीं हो गया है, आदमी की चीजों से उसका नाम हो गया है। मेरा एक मित्र है, जेनी है वो, एक बार उसने एक आदमी दिखाया, बोले आदमी दिख रहे हो आप, मैंने कहा दिख रहा है, ये बहुत ऊंची पार्टी है। मैंने कहा तो बिल्कुल ठीक ना सा आदमी, कहाँ से ऊंची हो गया ये तो बहुत नीची दिख रही मेरे को पार्टी, ऊंची भी दिख रही। अरे बोले तुम कैसी बातें कर रहे हो, समझ में आती तुमको? मैंने कहा क्यों क्या हुआ? अरे नहीं बहुत ऊंची है। मैंने कहा कैसे ऊंचा है बता मेरे को, हाइट तो कम है इसकी। बोले नहीं इसके पास में छः खोखे हैं, छः खोखे। तो मेरे यहाँ बहुत सारी किताबों के खोखे पड़े हुए थे उस समय। मैंने कहा मेरे पास तो 15-20 खोखे हैं, छः खोखे। तो उसने मेरे को खूब भला बुरा कहा, बोले तुम बिल्कुल अनाड़ी हो, गाँव के टेपे हो, ये हो। अब मेरे समझ में आया क्या चक्कर है ये खोखे का। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं तेरे को झूठ नहीं बोलता, मैंने सही में खोखे हैं, तेरे को चाहिए हो तो तेरे को भी दे देंगे, तैयार हो दो पांच खोखे दे दूंगा, पढ़ रहे थे मैंने यहाँ तो खोखे खोखे। फिर उसने मेरे को खोखे का अर्थ खोल के समझाया उसने, पहले तो पेटी समझी उसने पेटी क्या है, फिर उसने उसके बाद खोखे बताया। मैंने कहा वाह भाई तूने मेरे को आज बहुत अच्छा ज्ञान दिया, खोखे का ज्ञान कराया। मैंने कहा लेकिन एक बात बता, ये खोखे से भी ऊंचा कैसे हो गया, मेरे को समझ नहीं आता। आदमी का यदि नाप होगा तो आदमी के गुणों से होगा कि उसके खोखे से उसका नाप होगा? मैंने कहा तो बाजार में जाता है दूध खरीदने, तो दूध वाले को ही बोलता है 5 मीटर नाप दो भैया। तो कपड़े वाले की दुकान में जा भैया 5 लीटर तोल दो, तो कपड़े वाला कहेगा कि भैया दिमाग तो ठीक है, यहाँ लीटर में कपड़ा नपेगा कि मीटर में नपेगा? कपड़ा कहीं में नापा जाता है, मीटर में कि लीटर में? और कपड़े वाले की दुकान में बोलो 5 लीटर चाहिए, और दूध वाले को बोलो 5 मीटर चाहिए, तो दूध वाले और कपड़े वाले कहेंगे इसका दिमाग फिर गया, इसको भेजो कहीं, कि इसको नापने की क्या ही मालूम किसको किससे नापते हैं। ऐसे जिनवाणी माँ कहती है कि इस जीव को नापने ही नहीं आया अभी, कि जीव को कैसे नापा जाता है। जीव को नापा जाए तो उसके गुणों से नापा जाएगा, उसमें क्षमा कितनी है, मार्दव कितनी है, आर्जव कितना है, सत्य कितना है, संयम तप त्याग ब्रह्मचर्य से किससे नापेंगे? आदमी का नाप उसके रुपये पैसे होएंगे, और रुपया पैसे तो कल चले जाएगा, आदमी तो वैसा का वैसा रहेगा, उसके गुण वैसे ही रहेंगे, ये चीज़ें तो क्षण मंगूर है। इससे कोई चेतन का नाप हो सकता है तो जड़ पदार्थों से चेतन का नाप करना। आदमी का रुपया हो गया क्या जो रुपये से उसको नापा जाए? आदमी का नाम तो आदमी के गुणों से हो सकता है, आदमी का नाम इन अचेतन पदार्थों से नहीं हो सकता। जो इसको नापते हैं आदमी का नाम आदमी के गुणों से ना करके उन बहिरंग पदार्थों से करते हैं। मैंने कहा अभी उन्होंने आदमी का सही नाम करना नहीं सीखा। आदमी यदि उसरूप हो जाए, समझ लो अब तक तो कोई आदमी था, कल वो रुपया हो जाए तो अपन कहेंगे हाँ ये रुपये वाला, लेकिन आदमी तो आदमी रहता है, रुपया रुपया रहता है, रुपया आदमी नहीं होता, आदमी रुपया नहीं होता, तो उससे उसका नाम कैसे किया जा सकता? पर वस्तु से चैतन्य का नाम तो तीन काल में नहीं किया जा सकता, चैतन्य का नाम तो चैतन्य के गुणों से ही किया जा सकता है। ऐसी इतनी अकल तो अपने लौकिक में भी होना जरूरी। कोई लड़का लड़की देखने जाए, बापू जी पूछे उससे भैया क्या देख क्या है, अरे साहब क्या नहीं देख क्या है, कैसी क्या थी,
इधर ए वन नंबर एक, नंबर एक कैरा लगा पता कैरा। अरे पिताजी क्या मकान था उसका, हवेली थी हवेली, ऐसे घूम के उसको चढ़ाओ थे घूम घूम के, मेरे को चक्कर से क्या लग गए थे घूम घूम के चला चल बेटा। और क्या रहा पिताजी क्या साड़ी बेच रखी थी उसने बनारसी एकदम ओरिजिनल, मैंने तो ऐसी साड़ी देखी आज। और बेटा वो चाय दूध की क्रॉकरी भी बहुत बढ़िया थी बेटा, और भी कुछ होगा ना उसके यहाँ कि और क्या कहूँ मैं, उसकी माँ जैसे गहने पहन के आई थी वैसे तो मैंने देखी ही नहीं आज से। तब पिताजी के और भी कुछ हो तो बता तू, तेरी शादी पक्की करनी है मेरे को, सही सही बता क्या क्या देख क्या बस। पिताजी हो गया और क्या देख क्या है। तो बापू जी क्या कहेंगे उसको, अभी लड़की देख के नहीं आए, लड़की की तो बात ही नहीं है, ये तो क्या क्या बातें कर रहा है, कभी माँ के गहने की बात कर रहा है, कभी साड़ी की बात कर रहा है। तेरे को साड़ी देखनी थी तो साड़ी वाले की दुकान पर जाता, गहने देखना तो गहने वाले की दुकान पर जाता, मकान देखने तो मकान दिखा रहे थे। तेरे को लड़की देखने भेजा था कि गहने और ये साड़ी और क्रॉकरी देखने भेजा था। अभी कोई भी आदमी तीर्थ यात्रा करके आता है ना उससे पूछो आप कि भैया कैसी रही यात्रा, अरे बहुत बढ़िया आपकी बात तो मजा आ गया, क्योंकि क्या मजा आएगा यार, क्या खाना था साहब, अच्छा और कुछ, क्या बाथरूम थे इस बार तो बाथरूम बिल्कुल साफ स्वीट एंड क्लीन, मैंने कहा तू वही बैठा ला गया क्या है। और बोले कमरे सारे एसी वाले, जहाँ गया वहाँ एसी के कमरे मिल गए। मैंने कहा और तो ठीक है, और भी कुछ होगा ना यात्रा में, हाँ रास्ते में भी कोई तकलीफ नहीं हुई, ट्रेन की इतनी बढ़िया सवारी में टिकट मिल गई थी मेरे को, विंडो सीट इधर देखो उधर देखो दोनों तरफ देखो, और भी कुछ और क्या होगा और क्या पूछना चाहते थे। मैंने कहा भैया यदि तेरे को बाथरूम में रहना था तो अपने घर के भी बाथरूम अच्छे से रहे, और कमरे में रहना था तो कमरे में ही रहता, और खाना था तो घर में क्या भूखे मर जाता तू। मैंने किस लिए गए तू ये तो बता। मैं तो एक बार सचमुच एक सोशल ग्रुप के साथ में यात्रा में गया और बीच में धर्म चर्चा होती रही, और जैसे ही गाड़ी रुकी महावीर जी पे तो लोग भागे, तो लोग भागे तो मेरे को अपने पर बड़ी ग्लानि हुई। मैंने कहा देखो अपन तो लोगों को धर्म का उपदेश ही करते रहे, उनकी कितनी उत्कृष्ट भावना है, सब जा रहे हैं यात्रा करने, मंदिर बंद नहीं हो जाए ऐसी कितनी उत्कृष्ट भावना, अपन तो धीरे धीरे तो रुक गया एडमिट के लिए, भागे तो देखे तो लाइन लगी हुई है। मैंने कहा मंदिर खोल दो भैया, क्यों देखे तो वहाँ लिखा था आरक्षण कार्यालय, कमरे का आरक्षण, मंदिर तो धुंधा पड़ा था एकदम आराम से। मैंने कहा मंदिर के लिए नहीं गए थे, काहे के लिए गए थे मालूम, एसी के कमरे बुक कराने गए थे। मैंने कहा एक अकेला ये बचा था ऐसा कमरे से मतलब नहीं था, बाकी तो यार सब कमरे में रहने आए हैं, इनको कहाँ भगवान से मतलब है, इनको तो वहाँ जाके सबसे पहले कमरे बुक कराने हैं, फिर उन कमरों में जाना है, सामान रखना है, फिर खाने पीने की व्यवस्था जमाना है। भगवान तो ठीक है मंदिर है भैया उधर की साइड, उधर चले जाना वहाँ भगवान है अंदर, वहाँ पर दर्शन कर जाना, दो मिनट दर्शन करके आएगा और फिर जो काम काज है उसके चालू। ऐसी यात्रा है 90%, आप लोगों की अलग हो बात है ना, ये अपने जो तीर्थ क्षेत्र है ना वो सुविधाओं के बिल्कुल आराम आरामदायक हो चुके हैं। भगवान ने खुद ने नहीं सोचा था कि मैं जिस धूप में तपस्या कर रहा हूँ और मेरे भक्तियाँ एसी में बैठ के दर्शन करेंगी, मैंने बिना एसी के आए भी हमने तो तपस्या करी धूप में बैठ के ठंड में, इनको एसी चाहिए क्या है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो नाक है ना हर चीज का नाक वो बदल गया। क्या अपन बोलते हैं पूजा बोलते कुछ और है, बोलते ना उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ रघु पर सेन लगा हूँ किंचित भी, बात तो ऐसी है उज्ज्वल हूँ कुंद हूँ धवल हूँ, धवल मतलब सफेद, मैंने सफेद मतलब और इनकी चमकार वाली सफेद नहीं, सफेद का मतलब मैं पवित्र अत्यंत पवित्र हूँ, पर सेन लगा हूँ किंचित भी, मैं पर पदार्थों से रंच मात्र भी नहीं लगा हुआ हूँ, मैंने पर पदार्थों से मेरा कोई संबंध नहीं, इसलिए मैं पवित्र हूँ। पवित्रता कैसे है, चूंकि मेरी मिलावट नहीं हुई है
मैं परद्रव्यों से मिला नहीं हूँ, पर से बिल्कुल अलग का अलग ही हूँ, इसलिए मैं पवित्र हूँ। अरे मेरी पवित्रता परद्रव्यों से भिन्न रहने में है। देखो कोई भी चीज होती है अकेली होती है पवित्र होती है, दो से मिली अपवित्र हो, दो मिलने का नाम अपवित्र है। अकेला पानी पवित्र है, पी लो, अकेला दूध पवित्र, दूध में पानी पिला दो तो अपवित्र है, मेला है, मिलावट है। अकेलापन है पवित्र है, परम पवित्रता है, दो पने का संयोग हुआ महापवित्र। अकेला पुरुष है पवित्र, अकेली स्त्री पवित्र, दोनों का संयोग अपवित्रता। संसार में नियम तो कहते हैं पर से न लगा हूं किंचित भी, मैं पर पदार्थों से रंच मात्र भी लगा नहीं हूं, पर पदार्थों से मेरा संबंध नहीं है, इसलिए मैं पवित्र हूं। फिर भी मेरी दशा क्या है, फिर भी अनुकूल लगे, वो मेरे को अनुकूल लगते हैं पर पदार्थ, और उन पर करता अभिमान निरंतर, मैं उनके निमित्त से अभिमान करता हूँ, अपना नाप करता हूँ, अपने आप को उनके निमित्त से बड़ा छोटा नापता हूँ, मैंने उनसे मैं अपने को नापता हूँ, अपने को और दूसरों को भी। कोई आदमी आएगा तो उसको नीचे से देखेगा, ये कहाँ से चालू किया जूते चप्पल, कौन से वाले जूते पहन के आया है, कौन सी चप्पल पहन के आया है, कि उसका पजामा क्या है, कुर्ता है, हाँ क्या बात है भैया। अभी तो अपन ने चप्पल जूते से बाहर नहीं आए, चेतन के गुण तो बहुत दूर की बात है। एक अष्टावक्र नाम के मुनिराज थे, तो एक बार धार राजा की सभा में गए, तो बुलाया गया कि हमारी सभा में सब विद्वान ही विद्वान, तो गए लोग हंसने लग गए उनको देख, क्योंकि उनका शरीर आठ जगह से टेढ़ा था। तो उन्होंने एक बात कही, हे राजन मैं तो समझा था कि तुम्हारी सभा में विद्वान है, लेकिन यहाँ तो सब चमार बैठे हो। राजा गुस्सा आ गया, मेरे सभा के लोगों को चमार कैसे करेंगे। बोले जो चमड़ी से आदमी का नाप करे वो चरणकार नहीं तो क्या है, जो चमड़ी से नाप करते हो कौन होते हैं, चरणकार। जैसे जो चप्पल जूते से आदमी का नाप करे चरण के भी चरणकार, आदमी के कपड़े लगते से उसका नाप करे कौन सी गाड़ी से आया है, कौन से घोड़े से आया है, किससे आया है। मैंने कहा भैया गाड़ी घोड़े ले जाएंगे, किराए के भी हो सकते हैं, आदमी की क्वालिफिकेशन भी पूछ लेना, उसमें योग्यता क्या है, शादी गाड़ी घोड़े से नहीं करना, शादी उसकी योग्यता से करना है। फिर भी वो कहते हैं अनुकूल लगते हैं, उन पर करता अभिमान निरंतर, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, ये चेतन क्या है, झुक रहा है जड़ पदार्थों पर, झुक रहा है। इसलिए इससे क्या हुआ, मार्दव धर्म की काया खंडित हो। इसलिए हे प्रभु मैं आपके पास आया हूं, क्या प्राप्त करूं, निज अनुपम मार्दव की खंडिता, निज शाश्वत अक्षय निधि पाने, अपनी शाश्वत अक्षय निधि को प्राप्त करने के लिए, जिस निधि का कभी समापन नहीं हो, मैं अपनी ज्ञानानंद निधि को प्राप्त करने के लिए, जो अक्षय अनंत काल तक शाश्वत बनी रहेगी, उसको प्राप्त करने के लिए हे प्रभु आपके चरणों की धूली में मैं आया हूं। कितनी जोरदार पंक्ति है, कितनी उज्ज्वल भावना है, अपनी दशा देखो क्या है। इसलिए परिग्रह 24 का ही है, अब तो दुनिया में पता नहीं कौन कौन से परिग्रह हो गए, ना भी आदमी का परिग्रह से हो रहा है। वैसे तो 10 ही बहिरंग परिग्रह, लेकिन 10 ही नहीं है परिग्रह, तो वैसे अनंत है, कि मोटे मोटे रूप में उनको 10 भागों में बांटा, रुपया रुपया क्षेत्र मकान सोना चांदी दास दासी वस्त्र बर्तन हो गए द्विपद चतुष्पद इन बातों पर। यदि आज की तारीख में कोई लिखता होता तो अलग ही नाम लिखता, मोबाइल फोन नंबर 1, नंबर 2 लैपटॉप, नंबर 3 टीवी, नंबर 4 गाड़ी, जूते चप्पल, और भी जो भी फैशन की चीजें हैं, ये होते परिवार में। इसमें 10 ही नहीं है, क्योंकि 10 तो कहते हैं मेरे पास तो एक भी नहीं है इनमें से, बच्चों के पास अच्छा क्या रहता है, मोबाइल फोन रहता है, तो ये 11वां परिग्रह सबसे बड़ा परिग्रह है। इसलिए जैसे अपन 10 तो उदाहरण मात्र के लिए शिष्य को समझाने के लिए कहें, वस्तुतः जितनी भी बहिरंग पदार्थ है वो सब बहिरंग परिग्रह है। जैसे अपन ने कहा घी है घी, तो कहा बच्चे से कि कौए से घी की रक्षा करना, किससे, कौए से। थोड़ी देर बाद देखा तो घी तो खत्म,
कि बेटा तेरे से क्या कहा था हमने कि कौए से घी की रक्षा करना, तो तूने घी की रक्षा नहीं करी। कि नहीं, मैंने कौए से घी की रक्षा करी, तो घी कैसे खत्म हो गया? कि पिताजी वो बिल्ली आ गई थी, बिल्ली घी पी गई, आपने कहा था कौए से घी की रक्षा करना, बिल्ली से घी की रक्षा करना है, कब कहा? तो पिताजी ने कहा मुंह फेरे, इसमें भाव ही नहीं समझा, भाव कैसा है इसका, लोग भी भाव नहीं समझे तो क्या होगा? किसी सासू जी को, बहू को सास कहे, भैया देख कचरा जो है ना आदमी देख के फेंकता, बहुत देर तक खड़ी रही, बोले क्या हुआ? बोला आदमी नहीं निकला अभी तक, कोई करता कि कैसे फेंकू, आदमी देख के फेंकती। तो लोग में जो भाव नहीं समझता उसको मूर्ख कहते हैं। ऐसे हम भी यदि जिनवाणी का भाव नहीं समझे, हमने दस है बड़ी कर अपने पास, तो दस में से कोई शक नहीं, तो दस नहीं है, दस के अलावा हजारों है। ये दस तो ऐसे हैं जो मोटे मोटे हैं, जो कि हर काल में हर युग में आदमी के पास रहे, क्योंकि देखो क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। आज की तारीख में तो नंबर आदमियों का, बिजनेस करने वालों का तो नंबर एक पर ही है, जमीन, मकान, सोना, चांदी, वस्त्र, बर्तन, दास, दासी, दोपद, चतुष्पद, द्विपद, चतुष्पद माने दास दासी में जाते हैं, चतुष्पद गाय बैल वगैरह, तो धन धान्य गोधन, गाय बैल पाते थे, गाय बैल घोड़ा हाथी, और आजकल सब बदल गया, और धान्य माने अनाज, तो ये सब परिग्रह होते हैं, इनको दस परिग्रह में कहा। ये हर काल में जरूरत पड़ेगी, आज भी जरूरत है गोधन की, कुछ कुछ लोग पाते हैं ना, धान्य की जरूरत है, वस्त्र बर्तन क्षेत्र मकान सोना चांदी आज भी। तो दस तो बहिरंग परिग्रह का है, और चौदह अंतरंग, और चौदह के तो नाम भी कितने को पता नहीं क्या होता। परिग्रह की जब भी त्याग की चर्चा चलती है तो आदमी बहिरंग परिग्रह में त्याग की बात करता है, लेकिन अंतरंग परिग्रह में उसका लक्ष्य भी जाता है, क्योंकि अंतरंग परिग्रह की चौदह अंतरंग परिग्रह मिथ्या क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय स्त्री में पुरुष में नपुंसक में सब कषाय। हंसना भी कषाय, और कषाय हंसने हंसना, तो अपन जब हंस रहे हैं समझ लो, जब कोई भी अपन हंसी मजाक कर रहे हैं लोक में, तो वो एक परिग्रह है, वो पाप है, ऐसा तो लगता नहीं लगता लोग, तो भगवान भी कि भगवान कितने हंसमुख लग रहे हैं, मिलकर क्या कह रहे हो तुम, भगवान हंसमुख लग रहे हैं, भगवान को हंसमुख मानना अरे भगवान में कषाय मानना, और कषाय भगवान दिख रहे हैं तुमको, भगवान भी त्यागी होते हैं कि कषाय होते हैं, भगवान के कषाय का अभाव होता है कि भगवान की कषाय होती है, लेकिन हमको तो भगवान में भी कषाय दिखनी चाहिए, भगवान भी अच्छे लगते हैं हंसमुख, बल्कि भगवान लोग लेने जाते हैं भगवान की मूर्ति तो डिमांड करते हैं हंसमुख प्रतिमा, हंसमुख हंसमुख, अरे हंसी को भी हमने कषाय नहीं माना, शोक करने को रोने धोने को कषाय नहीं लगती, रोना धोना कोई नहीं रो रहा हो, किसी का मरण हो जाए और आदमी रोए नहीं तो लोग नकली रुलाते हैं उसको, हमारी दादी अम्मा की सगी दादी अम्मा, तो उनके सगे भाई मर गए, तो दादी अम्मा ने कही अति में बैठने चलना है, तो वहाँ से मलाड़ मतलब हमने पहले टैक्सी में गए, टैक्सी से ट्रेन में गए, और अम्मा जी बड़े प्रसन्न चित्त आराम से बातचीत करें, ऐसा ऐसा भाई का लड़का ये है वो है, हमने कहा अम्मा जी को कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, आराम से बात करें, फिर टांगे में बैठे, टांगे में भी आराम से, जैसे ही चिड़ा आया बोले भैया घर आ गया चालू हो, मैं चुपचाप का चालू होना क्या होना क्या है, देखे तो दौड़ गया, और दादी जी को इतना रोना तो आ गया, उनके गया वो घूमट सा घूम लिया, और मेरे गए दादी को क्या हो गया जबरदस्ती का, अब अम्मा घर गए, वो घर गए और तो बस अम्मा जी का तो 5 मिनट दुखी बदल गई, मैं जैसे क्या आपत्ति आ गई, क्या विपत्ति आ गई, और घर वाले सब बेचारे शांति से बैठे थे, उनको भी जा जाके हर आदमी मानो घर हर आदमी, और उसको बड़ा अच्छा माने, ऐसे कैसे जाए फिर बिना उसके। मैंने कहा अम्मा जी ये तुम शास्त्र पढ़ो थोड़ा, इसमें असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण लिखे हैं, खुद को शोक उत्पन्न करना, दूसरे को शोकाकुल करना,
ऐसा रोना जैसे सुनने वाले के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए, जिनके वो बिचारे उसके माँ बच्चे बच्चे को दुखनी का जबरदस्ती तो रो रोके रो रोके, और तुमको भी कौन सा है, आराम से तो बात कर ली थी 5 मिनट पहले, जीवता रहो ना, ये पनीर है, ये पाप है, तुम पाप कर रही हो, ऐसा तुमको लग रहा है कि पाप कर रही हो, तुम तो अपने आप को बहादुरी बता रही हो, मैंने सबको बुला दिया और मीर रोने थे मेरे को देख के रोने लगी, शोक अपने को पनीर नहीं लगता, पाप लगता है अपन जब शोकाकुल होते लगता है पाप कर रहे हैं, रति कर रहे हैं किसी चीज से प्रेम कर रहे हैं पाप कर रहे हैं, परिग्रह का भेद है वो, अरति परिग्रह है, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद परिग्रह के भेद है सब, ये पाप कर रहे हैं परिग्रह एक पाप है, कषाय तो पाप है ही सिर्फ क्या, हम लोगों को परिग्रह का परिमाण करना तो क्या करें, परिमाण 10 भैरव परिग्रह का परिमाण चलो हो गया, अंतरंग का कितना हंसना और कितना नहीं हंसना, कितना शोक करना और कितना नहीं शोक करना, कि मैं मेरे पियर वालों के ऊपर तो रहूंगी और सास रुपये नहीं रहूंगी किसी बातें करना, मैंने कहा ये परिग्रह का परिमाण है, परिग्रह का परिमाण बहिरंग वस्तु का होता है, अंतरंग का नहीं होता, अंतरंग के त्याग की विधि अलग है, सबसे पहले तो मिथ्यात्व का होता है त्याग, उसका कोई परिमाण तो ही नहीं होता, कितने मिथ्यात्व को रखना और कितने को नहीं रखना होता, मैंने सब परिग्रह का परिमाण कर लिया, अच्छा अंतरंग का भी हाँ सबका मतलब सबका कर लिया, मैंने सबका कैसे हो सकता है रिश्ता, तुम मिथ्यात्व का परिमाण कैसे कर सकते हो, मैंने इतना मिथ्यात्व तो रखना इतना नहीं रखना, मैंने कौन सा नहीं रखना, फलाने देव को पूजना और फलाने के लिए पूजना, फलाने शास्त्र देव शास्त्र देव पूजो धर्म को मानना यही हुआ इसका, अथवा सात तत्व का विशेष श्रद्धान करना, अरे परिग्रह का तो पूरी तरह से त्याग होता है, क्रोध मान माया लोभ में अनंतानुबंधी का त्याग होता है और बाकी 3 कषाय का सद्भाव होता है, और कालांतर में जब परिग्रह का राग सीमित होता है तो 2 कषाय चुगली का भाव होता है, 2 कषाय चुगली फिर भी रहती, फिर मुनिराज समस्त परिग्रह का त्याग करते हैं, 3 कषाय चुगली चली जाती, जब अनंत बन जाते हैं 4ों का भाव होता है, ये विधि है उसकी, तो विधि तो कुछ मानोगे नहीं, परिमाण करना किसका परिमाण करना, अंतरंग परिग्रह का परिमाण नहीं होता, अंतरंग परिग्रह का तो यथाशक्ति त्याग होता है, मिथ्यात्व का त्याग किया जाता है, क्रोध मान माया लोभ का त्याग किया जाता है, आसक्ति रति का त्याग किया जाता है, अपनी और त्याग किया भी क्या जाता है, अपनी तो मिथ्यात्व ममता निबंधी का तो त्याग होता है सम्यक प्रकट होने, और जैसे जैसे आगे भूमिका बढ़ती है वैसे वैसे उन कषायों का अभाव होता चला जाता है, हमें कषायों का त्याग करना है और ये कषायों का परिमाण करने में कोई सीमा तो ही नहीं, हमारा तो लक्ष्य है कि कषाय एक भी नहीं रहे, लेकिन क्या करें, अभी मिथ्यात्व भी गया है तो 3 है, अणुव्रत आदि लिए तो भी 2 बची, चार तो ये कि 2 भी चली चले जाए, महाव्रत धारण किए तो अभी 1 और बची, तो ये तो कषायों का क्रम क्रम से अभाव होता जाता है अपने आप, कषायों में परिमाण नहीं होता और मिथ्यात्व का परिमाण नहीं किया जाता, मिथ्यात्व का तो क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है, और बैरंग 10 परिग्रह का होता है परिमाण, परिमाण में उसकी सीमा है, और सीमा में भी कैसे निकालते हैं, इनकी सीमा देखो आप, साहब मैंने 100 अरब रुपये का रखा, कितने का 100 अरब, मैंने कहा अच्छा तेरे पिताजी ने पिताजी ने देखे देखे भी 100 अरब रुपये, तो 100 अरब रुपये का परिमाण रखा, परिमाण उसका होता है अपने पास जो है उसको घटाना, ये तो उल्टा चल रहा है, जेब में 1000-10 लाख रुपए नहीं होंगे, 100 अरब का मैंने परिग्रह रख रखा है, इसका क्या दाम है इसके अंदर, कोई जैसे दिग्गज के अंदर रखे, पूरे वर्ल्ड का नियम है, वर्ल्ड को छोड़ के कहीं जाए, मेरे कहा ये कोई नियम है, बोला हाँ कभी अपने को रॉकेट पे जाने का मौका मिला तो नहीं जाएंगे, कैसी बात है इस तथ्य, इसमें मैंने जम्मू द्वीप का नियम ले रखा है, जम्मू द्वीप से बाहर नहीं जाता, मैंने कहा तुम ढाई द्वीप का भी ले लूँगा, ढाई द्वीप से बाहर नहीं जाता, इसमें कुछ तथ्य नहीं है, जहाँ तक जा सकते हैं उसमें कमी की जाती है, ऐसे यहाँ जो परिग्रह है उसको सीमित किया जाता है, उसको बढ़ाने का नाम तो नहीं परिग्रह परिमाण बढ़ते हैं, तो सब चीज़ बढ़ानी और परिग्रह भी कायम रखता है, नोट पानी में हर चीज़ नोट में, लेकिन नोट पानी तो परिग्रह ही क्या लिखा है, नोट परिग्रह बता 10 परिग्रह में नाम है उसका, 10 परिग्रह में उसका नाम ही नहीं, परिग्रह में नाम मकान क्षेत्र सोना चांदी
परिग्रह का परिमाण इन चीज़ों में होता है, रुपये में परिमाण होता भी नहीं। रुपये में करोगे तकलीफ नहीं पड़ोगे क्या? रुपये की जब कीमत घट जाएगी, अब देखो टाइम बहुत चेंज हो गया है, तो पहले 10 करोड़ का था, अब हम मैंने 20 का कर दिया क्योंकि मेरी डबल हो गई, तो कलर ना रह गई नहीं हो, इसलिए वो कहते हैं इसमें कभी मत तू, तेरी नियत बिगड़ जाएगी इसमें करेगा तो। तू एक काम कर, चीज़ों में कर, महंगाई बढ़ेगी तो चीज़ों के भी दाम बढ़ जाएगी, तो क्षेत्र का कर, इतने प्लॉट रखूँगा, यदि महंगाई होगी तो प्लॉट के दाम बढ़ जाएंगे, मकान का रख ले, और तेरे को करना क्या है, तेरे को जीवन में उपयोगी वस्तु चाहिए, क्षेत्र चाहिए, मकान चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, धन धान चाहिए, गोधन धान अनाज चाहिए, ये चाहिए ना, वस्तु बर्तन चाहिए, रख ले जितना रखना, अब ये रुपये वैसे से क्या लेना देना, जो जीवन में अत्यंत उपयोगी वस्तु उनका परिमाण किया जाता है, महंगाई भी बढ़ जाएगी तेरी चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, घटेगी चीज़ों के दाम बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परिणाम में आतुरता नहीं रहेगी, इन्फ्लेशन में चल जाएगा, और नहीं तो फिर जो होगा तो तू ही जान, फिर तो हर साल मर्यादा बढ़ाता जाएगा, इसलिए हमारी सीमाएं जो है रुपये पैसे में चीज़ों में होती है। आप सोने में रख लो भले कि मेरी जितनी भी पूंजी है वो सारी पूंजी कभी भी 10 किलो सोने से ज़्यादा नहीं रहेगी, 20 किलो सोने से ज़्यादा नहीं रहेगी, तो एक वस्तु में तो हुआ ना, मेरी सारी एसेट की वैल्यू किसी भी समय 10 किलो सोने के मूल्य को अवलंबन नहीं करेगी, तो सोने का भाव पड़ेगा तो अपनी ऐसी सोना घटेगा तो घटा पड़ेगा। ये बहिरंग परिग्रह की सीमा है, और अंतरंग परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मिथ्यात्व क्या है, मिथ्यात्व अपन सबके लिए त्यागी, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं, मैं कभी किसी को देव गुरु विश्वास किया तो झुकता ही नहीं हूँ क्या, कोई मंदिर नहीं जाता हूँ दूसरे हिंदू हिंदुओं के क्या, कहीं किसी की चादर चढ़ाने नहीं जाता, कहीं कोई कुछ नहीं मानता हूँ क्या, मैंने किसी के गुरु के आगे झुकता हूँ ना, कुदेव के आगे ना कुशास के आगे, मैं तो मिथ्यात्व है ही, अब बाकी क्या करना, एक कषाय वषाय मिटानी मिट जाएगी होगी धीरे धीरे, कहते तुम्हारे अभी मिथ्यात्व बैठा है, तुमने ग्रेज मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व माना है, लेकिन अब ग्रेज मिथ्यात्व जो है अंदर पड़ा हुआ उसकी तुमको खबर ही नहीं है, ग्रेज मिथ्यात्व तो इसलिए मिथ्यात्व है क्योंकि वो अग्रेज का पोषण करता है, मतलब वो तो असल में वो अमृत का पोषण करने से बुरा कहा गया है, असली पाप तो असली मिथ्यात्व तो अमृत है जो तुम बचपन से लेके आए हो, अनादिकाल से जो तुम्हारा चला आ रहा है, कौन सा 7 तत्व की विपरीत श्रद्धा, 7 तत्व के बारे में जो भूल है ना तुम्हारी वो तो चली आ रही है, उसके मिटाने का उपाय किया कि नहीं किया, तब तुम्हारे परिग्रह का त्याग होगा, आकिंचन धर्म तब होगा। देवी साहब ने को मिथ्यात्व को त्याग करना त्याग करने की लगता है, क्योंकि मैंने कल भी बात कही थी, अपनी उल्टी मान्यता छोड़ना इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज छोड़ना है, आदमी सब छोड़ सकता है लेकिन अपनी मिथ्या मान्यता छोड़ने को तैयार नहीं होता, दुनिया को लगता है इसमें क्या छोड़ा, पृथ्वी तो इसमें उसने सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे भी रुपया पैसा तो पर है, अपना हो ही कहा है, अपने को क्या करना है, उसको छोड़ना है, छुटा छुटा ही तुम नहीं भी छोड़ोगे तो पाप का वगैरह होगा तो छूट जाएगा, हम उसको लाने वाले कौन होते हैं, हम उसको छोड़ने वाले कौन होते हैं, हम तो उसको अपना मानने वाले या अपना मानना छोड़ने वाले हो सकते हैं, तो तुम अपना मानना छोड़ो, ये परिग्रह जो है जो कुछ भी तुमको वर्तमान में मिला है ये तुम्हारा नहीं है, चेतन अचेतन और मिश्र परिग्रह ये समस्त प्रकार का परिग्रह अपना नहीं है, चेतन परिग्रह मतलब स्त्री पुत्र मकान, स्त्री पुत्र बाल बच्चे माता पिता कुटुंब ये अपना नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं, अचेतन परिग्रह अपना नहीं है, मकान जमीन सोना चांदी ये अपना नहीं, इसे मिश्र ये गांव मेरा है ये नगर मेरा है, कुछ नहीं है तुम्हारा, आज यहाँ कल कहाँ पैदा हो जाओ कोई ठिकाना नहीं, इसलिए ये चेतन अचेतन और मिश्र परिग्रह में जो अपना मानना जो अपनी मान्यता ये मेरा है ऐसा जो मानना छोड़ता है उसी के मिथ्यात्व परिग्रह का त्याग होता है, और जब तक ऐसा मानता है कि ये चेतन अचेतन विश्व पर पदार्थ मेरे हैं
तब तक इसके मिथ्यात्व रूपी परिग्रह का त्याग नहीं है। अब हमारी क्या स्थिति मान, हमारे पास तो जो अपने पास जो है ना, जो चीज़ें जिनवाणी की थी वो भी अपनी नहीं है, और अपन इतने तेज हो गए आजकल कि जो अपने पास नहीं भी है उसको भी अपन अपनी मानते हैं। अभी मैं एक जगह घर पर ठहरा तो वो मेरे को मंदिर के दर्शन करने ले जाता था, तो मंदिर जाते थे आ जाते थे। एक दिन घुमा के ले जाते, मैंने कहा भैया मंदिर चलो सीधे सीधे घुमा के ले जाते, तो नहीं नहीं आपको बहुत बढ़िया चीज़ दिखानी है, दिखानी है मंदिर मंदिर होगा और अच्छा फिर देख लेते चलो। देखा तो सही में थोड़ी दूर गए तो एक बहुत बढ़िया हवेली थी अच्छी, तो उसमें दिखाई कैसी लगी आप, ठीक अच्छी है क्या कहना, मंदिर वंदिर है चलो मंदिर दर्शन, नहीं नहीं अभी मंदिर वंदिर नहीं, पंडित जी अंदर घुस जा रहा था बाहर ठीक। तो मैंने क्या है इसमें फिर ऐसी चीज़ ये अपनी है या हवेली, अच्छा मैंने कहा अपनी है तो वहाँ पर ठहरे हुए अपन की हवेली में ठहरो ना, नहीं 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 अपने पिताजी ने धंधा किया था धंधे में नुकसान लग गया तो हवेली बेचनी पड़ी अभी, मैंने हो सकता पैसे नहीं मिले अभी तो भैया जी खरीदते हैं उनकी पैसे से तो नहीं मिले, नहीं पैसे तो कब से ही मिल गए खाक उनके खत्म कर दिए, तो मैंने फिर दे दी पैसे बता, अरे अपनी है सब अपनी अपनी थी ये मैंने है। अच्छा बहुत बढ़िया आगे चलो घर गए पंडित जी आपको अपने घर में तकलीफ तो नहीं, लेकिन तुम्हारी पत्नी गई थी सुबह सुबह की किराए का होगा, अरे किराए का तो अपने कौन छोड़ेंगे अपने जितने का होगा उतना तो ले जाएंगे, बहुत बढ़िया एक आप दिन और घुमा में ले गया हो। मैंने अब आज का के दर्शन करा रहे हो तो देखा था वहाँ जमीन थी एक मकान बन रहा था, तो देखिए जो मकान देख रहा था उनके साथ अच्छा ये मकान अपनी ये अपना मकान है ये कैसे तुम्हारा कब इसमें आने वाले, नहीं 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 अब कैसा लगा आपसे, मैंने कहा अच्छा अच्छा है दिक्कत क्या है, नहीं इसको अपने को खरीदने का विचार चल रहा है। हो गया उधार, हम क्या पढ़ा रहे हैं तुमको तो तुम क्या हमको पढ़ा रहे हो, हम कह रहे हैं जो है वो भी तुम्हारा नहीं है और ये तो तीनों में लगा हुआ है, भूतकाल में जो बिक गया है इसका वो भी आज भी इसका बना हुआ, जब भी किसी को ले जाता है हवेली अपनी है, नहीं नहीं किसी को भी लोगों ने मैंने बताया पंडित जी आप जो भी आता है ना ये हवेली दिखाए बिना नहीं मानते, और दिखा के एकदम अरे साहब हमारे भी बाप दादाओं के पास में ये था वो था, मैंने कहा कुछ नहीं था न था और न है और न हो सकता है, जो ईमानदारी से भी दुनिया तुम्हारा कहेंगे वो भी तुम्हारा नहीं है और यहाँ तो है ही नहीं और उसमें तुम लगे हुए हो, हर आदमी अपने दिया अरे साहब मैंने वो चीज़ खरीदी थी मैं नहीं बेचता तो आज करोड़पति होता, मैंने कहा बाप दादा ने बाप दादा ने नहीं बेची होती किसी ने तो वो भी सब करोड़पति, मैंने कहा जो भी संसार में चीज़ें हैं वो किसी ने बेची है कहीं कहीं खरीद तो ये तो व्यवहार चल रहा है, ऐसा हर आदमी सोचे बताओ, तो अपने कभी ना कभी कोई ना कोई अपने पिताजी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहे होंगे, ऐसे देखा जाए तो हर ही आदमी हवेली वाला है करोड़पति है उससे कुछ नहीं होता है, अभी क्या है तेरी जेब में बता तू, और दूसरी बात जो अभी है हम तो कह रहे वो भी तेरा नहीं, मानना सरल नहीं है वैसे, लेकिन ये माने बिना धर्म प्रारंभ नहीं होगा, धर्म तो यही कहता है वो तो बारह भावना में अपनी यही जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ अपना कोई, घर घर संपत्ति पर प्रकट पर है परिजन को तो घर संपत्ति बिल्कुल स्पष्ट रूप से पर है, परिजन पर अपने कैसे हो सकते हैं, यदि अपन उन रूप हो जाए तो अपने रूप हो जाए तो अपने हो सकते हैं, लेकिन जीव का एक प्रदेश उद्गल रूप नहीं होता, उद्गल का एक प्रदेश जीव रूप नहीं होता, तो जीव कैसे कह सकता है कि उद्गल मेरा है। दूसरी बात जिस मकान को तुम अपना कहते हो ना ये मकान मेरा है, उसको अपना कहने वाले हजारों आ गए चले गए, मकान आज तक किसी का नहीं, और तो उसमें रहने वाले जो जानवर है बिल्ली है वो भी कभी कभी आँख दिखाई दी का घुसका रहे तुम्हें,
उसमें रहने वाली बिल्ली, छिपकली, कसारी सब ये मानती है कि ये मेरा है, उसका एक एक बच्चा ही मानता है कि मेरा है। तो मकान से पूछो तो कहता है किसी का नहीं। कई बार आदमी कहता है मैंने वो मकान निकाल दिया, मैंने कहा ये मकान मकान से निकल के आया, किसने मकान नहीं निकाल दिया, क्या निकाला तुमने, कौन सी गली में मकान निकाल के आया है, तो खुद निकल गया मकान से और क्या कह रहा है मैंने मकान निकाल दिया। अरे मकान को जाया वहीं का वहीं है, हमने अपनी बुद्धि से मकान को निकाला, पर वस्तु को हम निकालने वाले होते कौन, ना हम लाने वाले होते हैं पर वस्तु को, ना निकालने वाले होते हैं। हमारी लाने की चलती हमारे बस में होता तो वो माता जी ने आज सुबह कही ना कि सारी दुनिया का परिग्रह ही अपन अपने घर में इकट्ठा कर लेते। इस दुनिया, इस संसार में जगत के जीवों की तृष्णा रूपी गड्ढा इतना गहरा है कि तीन लोग की संपदा भी डाल दो उसमें, उसकी आकांक्षा समाप्त नहीं होती। और दूसरी बात ये कि वो गड्ढा इतना बड़ा है, तीन लोग की संपदा उसमें बिंदु के समान है, और वो बिंदु भी किसको कितना कितना मिले। इसलिए आनंद का उपाय तो यही है, पर वस्तु में अपनापन छोड़ना, उसको अपना मानना छोड़ना, कोई वास्तव में मिथ्यात नाम के परिग्रह को छोड़ना है। जब तक हम पर वस्तु में अपनापन करते रहेंगे, अपनी मानते रहेंगे, तब तक मिथ्यात नाम का परिग्रह तो हमारे को रहेगा ही, और उसके जो रहेगा तो अंतरंग परिग्रह रहेगा। अंतरंग परिग्रह रहेगा तो आचार्य कहते हैं कि क्या दम ही नहीं है भैरव परिग्रह के परिमाण में, क्या विकट। अरे भैरव परिग्रह तो कई बार भिखारियों के पास भी नहीं होता, होता है इतना बड़ी ग्रह उनके पास, भिखारी उनके पास नहीं, कभी कभी कटोरा भी नहीं होता, लेकिन अंतरंग परिग्रह है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि उनके अंतरंग में परिग्रह मेरा हो सकता है, पर वस्तु मेरी हो सकती है, मैं पर वस्तु का मालिक हो सकता हूँ, किसी मान्यता उनके अंदर है, अपनापन की मान्यता उनके बसी हुई है। इसलिए बहिर्ग परिग्रह नहीं होने पर भी अंतरंग परिग्रह उनके है। इसमें परिग्रह का लक्षण क्या कहा, मूर्छा, पर वस्तु में जो मूर्छितपना है, मूर्छितपना माने वस्तु मेरी है ऐसा जो भाव है उसका नाम परिग्रह है, क्योंकि दरिद्री स्वभाव, कई दरिद्री होते हैं जिनका पैसा नहीं होता, लेकिन मूर्छा नाम का परिग्रह उनके होता है। कोई कहे बहुत अच्छी बात बताई आपने, हम परिग्रह रखेंगे, मूर्छा नहीं रखेंगे, पैसा तो है मूर्छा नहीं, सभी कपड़े तो मैंने पहन रखे मूर्छा नहीं, उतार के दे दो फिर मूर्छा नहीं रहता, घड़ी है घड़ी से मूर्छा नहीं, घड़ी भी दे दो। देखो परिग्रह यदि ऐसा तो हो सकता है परिग्रह के साथ की बहिरंग परिग्रह न भी हो तो भी अंतरंग परिग्रह हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बहिरंग परिग्रह हो और अंतरंग परिग्रह न हो, क्योंकि बिना राग के ये चीज अपने धारण नहीं की, ये घड़ी में रखी घड़ी के राग है बात घड़ी है, यदि ये राग टूट जाएगा तो घड़ी भी चल जाएगी, क्या। इसलिए बहिरंग परिग्रह के सद्भाव में अंतरंग परिग्रह का नियम से नहीं, चावल का वर्ण दिया आचार्य ने, चावल का जब तक छिलका नहीं निकलता तब तक उसकी लाली माधुरी नहीं होती, ऐसे बहिरंग परिग्रह के अभाव में कोई सोचे मेरा अंतरंग परिग्रह का अभाव रहेगा तो कितने संभव नहीं, लेकिन ये हो सकता है बहिरंग परिग्रह का भी त्याग कर दे और फिर भी उसके अंतरंग परिग्रह बना रहे, लेकिन उसके बिना उसका त्याग नहीं होगा। तो इसलिए हिंसा में तो ये हो सकता है, हिंसा हो कोई जीव मरे और फिर भी हमको हिंसा का दोष न लगे, लेकिन परिग्रह के साथ ऐसा नहीं, परिग्रह यदि बहिरंग है तो अंतरंग परिग्रह तो नियम से विद्यमान है, भले अनंतानुबंधी का ना हो लेकिन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन का परिग्रह तो है, हो सकता है उसको अपनी न माने, अपनी नहीं मानने वाला परिग्रह छूट गया लेकिन राग वाला परिग्रह उसके नहीं गया, ऐसे तो बहुत कुछ काम हो गया जिसने अपना मानना भी छोड़ा उसके भी बहुत परिग्रह छूट चुका है, उस अपेक्षा से भला है, लेकिन जो राग है वो भी विद्यमान है, इसलिए अपरिग्रही जिनवाणी को उसी को कहा जाता है जिसके उसका राग भी चला जाता है, क्योंकि ये क्या मालूम अपने को कि किसके मान किसके अपना मानना छूटा है कि छूटा है। कोई हर आदमी कहेगा मैंने पैसा रख रखा मूर्छा नहीं है,
इसलिए आचार्यों ने कहा कि मूर्छा नहीं होने से परिग्रह का अभाव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे तो हर आदमी अपने आप को परिग्रह कहने लग जाएगा। इसलिए न केवल मूर्छा का अभाव होना चाहिए, अभी तो मूर्छा के साथ में उस राग का भी अभाव होगा तब हम उसको परिग्रह कहेंगे। अब देखो इसमें पूजा की पंक्ति का विचार करते हैं। पूजा की पंक्ति कहेंगे परिग्रह चौबीस भेद त्याग कर तृष्णा भाव छेद घटती जान उत्तम आकिंचन गुण जानो। उत्तम आकिंचन क्या गुण है? परिग्रह का त्याग, परिग्रह को अपना मानना छोड़ना, परिग्रह के प्रति राग भाव घटाना, वो गुण है। आकिंचन गुण है, दोष नहीं है। यदि परिग्रह का अभाव दोष है तो मुनिराज फिर गुणवान कैसे दिखेंगे? यदि परिग्रह का अभाव होगा तुम्हें महानता नहीं दिखती तो भगवान वीतराग जिनेन्द्र महान कैसे दिखेंगे? परिग्रह का अभाव तो गुण है, उत्तम आकिंचन गुण ही जानो। परिग्रह चिंता, क्या कहा परिग्रह को? चिंता तो चीज होती है, होती चिता, परिग्रह की चिंता। क्या अंतर है चिता चिंता? एक बिंदी का अंतर, एक बिंदी भी बहुत बड़ा अंतर है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। परिग्रह चिंता जिंदे आदमी को जला के खाक कर देती है। राम दिन सुबह शाम, सुबह उठते ही भाव, शाम को भाव, रात को भाव। मैं एक जने के घर ठहरा तो मेरे को रात को मैं जब उसके घर से जाने लगा कहीं यात्रा पर जाना था तो मेरे घर दरवाजा लगा अंदर से तो नींद से उसको उठाया तो मेरे से बोलता 500 देर क्या 500 देर अच्छा 200 दिया क्या देरी आई क्या देरी आई क्या नींद उसके भाई चल गया लो दिन भर चला करता है चल पता नहीं कौन सा धंधा पानी करता हुआ। परिग्रह चिंता है जो इस चक्कर में फंस जाए ना, इतना फंस गया उसका इस मनुष्य बहुत बेकार हो गया। क्योंकि ये जो ऐसे कई धंधे हैं जिसमें आता एक रुपया है लेकिन कृष्णा बहुत लेके आता। इच्छा ऐसी होती है क्योंकि तीन लोग के धन अपने पास आता जो न्याय नीति से आता है उसमें आदमी को आकुलता नहीं होती। लेकिन जो सट्टे का धन आता है उसमें ऐसी इच्छा होती है कि सारा विश्व का पैसा आदमी ने 100 रुपये का माल खरीदा हो 200 भी हो जाए सो दुखी माँ दुखी क्यों दुखी क्यों 100 रुपये खरीदा 1000 रुपये पड़े थे 100 रुपये खरीदा 10% के माल खरीदा तो 10 का तो सुख भोग ले 10 का सुख तो ही नहीं 90% जो नहीं खरीदा उसका दुख है। इसलिए उन्होंने कहा परिग्रह तो चिंता है और दुख ही जानो कि दुख भी जानो कहने का दुख ही जानो। परिग्रह चिंता और दुखी है आने में दुख परिग्रह कमाने में कितना दुख एक रुपया कमाने में कितना पसीना पसीना लग ग्राहक वस्त्र समझा कर वो फिर माने तुम्हारे दुख है एक रुपया कमाने में दुख आ जाए उसके रक्षण में दुख उसकी रक्षा करने में 10 प्रकार से सब इलाज करके आओ उधर ताला उधर ताला उधर ताला चाबियां की चाबियां ले लेके आओ चले तो ऐसा लगे कि ढुंढू में जाके चले गए गाँव में और फिर भी उसको संदेह हो जाता है कि कोई चाबी ऐसी तो नहीं ले गई बार बार जेब में हाथ डाल डाल के देखे चाबी एक नहीं थोड़ी देर बाद भूल जाए फिर देखे बार ऐसी स्थिति ऐसी और कदाचित आ जाए एक रुपया आता है ना टेंशन लेके आता है क्या टेंशन अभी एक के दो कैसे करें आजकल दो तो क्या बोलता हूँ मैं एक के चार के साथ चार हो भी जाए तो माँ दुखी क्यों दुखी पड़ोसी के आठ हो गए मेरे तो चार ही हुए हैं। इसलिए कहते हैं परिग्रह में आदि में दुख मध्य में दुख अंत में दुख और एक की कदाचित आधे ले जाए तो माँ दुखी इसका तो ऐसा लगता है इसको सब कुछ चला गया। परिग्रह बढ़ता है आनंद बढ़ता है परिग्रह जाता है तो इसको लगता है मेरा सब कुछ चला गया। हमारे परिचित उनकी दुकान है काई की कूलर की उनको सबसे ज्यादा ठंडक कब लगती है गर्मी के मौसम गर्मी कभी कम हो जाए उनको कहो इस बार मौसम कितना अच्छा रहा है क्या मौसम अच्छा रहा है इस बार के मौसम था जो जो गर्मी बढ़ती है एक बार लाइट चली गई उनकी उनको इतना आनंद आया पूरा पसीने पसीने वाले कितनी गर्मी अरे कहाँ तो बड़ी नहीं उनकी बात क्या कह रहे हैं ये इनका अंदर कितना ठंडा हो रहा है
तो वो कहते हैं कि इसकी तो जो है ना आदमी को इसमें जो है ऐसी भ्रांति पड़ी हुई है, दुख ही दुख है, आदि में दुख, मध्य में दुख, अंत में दुख ही है, चले जाए तो दुख, छुड़ा जाए तो दुख, पैदा करने में दुख। अच्छा इसका क्या चक्कर है, जैसे एक चील है, एक चील है, चील के बाद मांस का डली आ गई, तो वो मांस की डली को खा नहीं सकती। जैसे वो मांस की डली खाना चालू करती है, चार चील और झपटती है उसको। अब वो क्या होती है, चार चील झपटती तो भी देता नहीं, बात चीज देते नहीं हो, फिर क्या होता है, जब वो लहू लुहान हो जाती तो बेचारी देती क्या करे, छोड़ देती उसको। अब छोड़ने में जिसके हाथ में आएगा तो लहू लुहान हो जाएगा, क्योंकि अब जिसके हाथ में आया तो बाकी ये जो तीन थे वो उसके ऊपर छोड़ दो, तब तक जोत मांगेगा जब तक वो छोड़ नहीं देगा। फिर वो दो के पास बचा, अब दो लड़ेंगे आपस में, और ऐसे करते करते चारों लहू लुहान हो जाते, हाथ किसी के नहीं लगते, ऐसी दशा है। इसलिए उन्होंने कहा परिग्रह चिंता दुखी मानो पास तनक्सी तन्मे साले, चार लंगोटी की दुख वाले, लंगोटी की चाह भी जीव को दुखी करके छोड़ती है। एक लंगोटी की इच्छा, लंगोटी की इच्छा, लंगोटी को धोने के लिए बाल्टी भी चाहिए, तपे भी सब चाहिए, बाल्टी चाहिए, मक्का चाहिए, डोरी चाहिए, डोरी फिर सुखाए, फिर भी चिंता, फिर चुराने ले जाए उसको, तो वो चिंता ही चिंता है। क्या की लंगोटी की, लंगोटी की चिंता में इतना दुख है, तो जिनको बड़ा बड़ा लंगोटों की चिंता है, मतलब बड़े बड़े परिग्रह की चिंता, उनकी क्या हालत है। एक फांस जब दुखी करती है तो फांसा क्या करता है, फांस तनक सी दुख को, फांस तनक सी तन को साले, चार लंगोटी की दुखा भावे न सप्ता सुख कभी न बिना मुनि मुद्रा धरे। जब तक ये जीव मुनि मुद्रा धारण नहीं करता तब तक समता रूपी सुख का पान नहीं करता, दुखी है, महा दुखी, आकुंत ही आकुंत है, कुछ चेंज तो ही नहीं है। अभी इस साल गर्मी नहीं पड़ी तो उनको देखो कितनी आग लग रही है, इसलिए वो तो महा दुखी है। भाले न संता सुख कभी न बिना मुनि मुद्रा धरे, धनी नगन धन है मुद्रा जो नग्न है, पर तन नगन ठाड़े, परंतु उनका जो तन है वो नगन पे स्थित है। नगन मतलब नग माने पर्वत, पर्वत का जो राजा है उसको कहा नगन, पहला नगन है नग्न, दूसरा नगन है पर्वतों का राजा, मैंने धन्य वे मुनिराज जो यद्यपि नग्न है परंतु पर्वतों के शिखर पर स्थित है और ठंड गर्मी को भी सहन करते, धनी नगन पर्वतन नगन ठाड़े, और इसलिए सुल असुल पाँव में नहीं पड़े, सुल और असुल उनके पाँव में पड़ते हैं, कभी किसी बनिए के पाँव में नहीं पड़ते, देवता भी उनके पाँव में पड़ते जिन्होंने परिग्रह छोड़ दिया है। फिर आगे कहा घर माँ कृष्णा जो बेटा, और अपने लिए लिखी पूजन कार्ड में तो पूजा लिखी है, उनको मालूम है पूजा कौन करेगा, गृहस्थी करेगा, तो उसको कहा घर में रहकर कृष्णा जो घटाता है अपनी इच्छाओं को घटाता है, रुचि नहीं संसार से, संसार की रुचि नहीं है उसको, पंचेंद्रिय के विषय भोग की क्या, संसार में जिसका रस नहीं है, संसार से विरक्त चित्त है, मोक्ष में जिसका अनुराग है, चार व्यक्ति से जिसको भय लगा है, चार व्यक्ति से जो थक चुका है, और मुक्ति सुख का जो अभिलाषी है, उसके लिए कहा रुचि नहीं संसार सो, उसके लिए कहा बहु धन गुणाहु, धन तो बुरे ही है भैया, देखो चले कहा ना धन तो पाप पड़े बुरे ही है, लेकिन भला के किया जाता है, कब लीन पर उपकार सो, यदि परोपकार में लगे तो, तुम्हारे घर के बाथरूम लेटरिन की टाइल बदलने में लगे तो, कुछ तुम्हारे पिताजी माताजी बेचारे इतने सरल रह के जी लिए क्या, अब तुम्हारा धन कायम खर्च होता है घर के बर्तन, घर के नहीं करेंगे तो मंदिर के बर्तन, ज्यादा नहीं कोई ज्ञान का काम में करे, तत्व ज्ञान में करे, वो तो काम ही नहीं है, अपना काम तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन करना, आदमी को तोड़ा फाड़ी देना मजे नहीं आते आज के टाइम। मैं कहता हूँ कि अपने मिथ्या मान्यताओं को तोड़ने में पुरुषार्थ लगाओ, अपनी अनादिकालीन की विपरीत मान्यताएं पड़ग्रह में जो अपने मन की बुद्धि है और हमारी पीढ़ी जो धर्म से विमुख हो रही है उसको थोड़ा तत्व ज्ञान दो, उसके लिए खूब ज्ञान आराधना के उसके उपकरण इकट्ठे करो, उसके लिए कैसे वो ज्ञान की आराधना करे, उसको ज्ञान के कैसे संस्कार दे इसकी प्लानिंग करो,
तो उसके लिए टीचर लगाना है, पाठशाला लगाना है क्या, तो उसके लिए शिविर लगाना है। बच्चों में धर्म का संस्कार करो, नहीं तो थोड़े दिन बाद में आऊंगा सब बड़े बुजुर्ग दिखेंगे, अभी वही दिख रहे हैं थोड़े दिन बाद। शहरी संस्कृति में ढलेंगे, धर्म रहेगा धर्म रहेगा, इनको देखने वाले कौन रहेंगे। तो थोड़ा बहुत उनको इस परिग्रह का राग कम हो, खुद को भी कम हो, थोड़ी आत्मज्ञान की रुचि उत्पन्न हो, ये काम करो। बहुत धन बुरा हो, बहुत धन तो बुरा ही है, बहुत धन काम लगेगा व्यसन में, पाप। अधिक धन होगा तो क्या करेगा पाप, आदमी अधिक धन का उपयोग काम करेगा, पांच इंद्रिय विषय भोग में, व्यसन में, जुआ में, सट्टे में, परिस्थिति सेवन में, शराब पीने में, इसी में उसका उपयोग है, और तो कोई है परोपकार तो कोई लगा नहीं रहा, इसका उपयोग व्यसनों में होगा। देखो एक बात है कि जो बाढ़ का पानी होता है वो हमेशा मेले ही होता है, अधिक पानी अच्छा नहीं होता है, और जो कम पानी होता है वो बहुत निर्मल होता है, पीने के वही आता है काम, बाढ़ का पानी पीने के काम नहीं आता, तबाही मचाता है। जैसे बहुत धन अधिक धन बुरी होता है, वो कोई अपना और पर का उपकार नहीं करता, घर घर में क्लेश होते हैं क्या, जिन जिनके बाप दादा लोग कुछ भी नहीं छोड़ के जाते उनके बच्चे बच्चे सब प्रेम से रहते हैं, और जिनके पिताजी कुछ छोड़ के जाते हैं वो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी में लड़ते रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा बहुत धन तो वही है फिर भी भला के दिया जाता है, के दिया जाता है कब, जब परोपकार में लगे, परोपकार में लगे तो वो। तो इस प्रकार आज के दिन कम से कम अपन इतनी भावना करें कि भाई परिग्रह को कम से कम अपना मानना छोड़ें, और परिग्रह के प्रति राग रुचा कम करें क्या, अपने को इतना उत्कृष्ट मनुष्य लोग मिला है, जिन वाणी सुनने का योग मिला है, और 10-20 साल के अंदर अपन अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगा के धन पैसा कमाने में अपनी जिंदगी अपने पूरी कर दी, छोड़ छोड़ के मर भी गए, दो दिन के लिए अपन सेठिया भी खेला गए, तो उससे कौन सा अपने आत्मा का कल्याण हो जाए। अरे कोई मूर्ख कहे गरीब कहे, लेकिन अपना जीव मोक्ष मार्ग में लगा हो तो अपना हित है, और दुनिया भले अपने को कितनी तारीफ के बिंदे बांध दे, लेकिन अपना जीव यदि मोक्ष मार्ग से मुख है तो अपना बुरा। इसलिए हम सब मोक्ष मार्ग में लगे, इसी भावना से करें।